हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू फैक्टर, या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलो और क्यू फैक्टर। तो पहले समझते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग क्या है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस समझने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, जो कि हम ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो रेजोनेंस कंडीशन हमारी क्या होती थी? रेजोनेंस कंडीशन हमारी वो वैल्यू होती थी जब हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिले, यानी हमें आई नॉट मैक्सिमम मिले तो हम कहते थे कि रेजोनेंस कंडीशन हमें मिल गई है। या हमने देखा था कि जब हमारी जेड की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, यानी इम्पीडेंस क्या हो, मिनिमम हो, जब जेड हमारा मिनिमम होगा तो हम कहेंगे कि हमें रेजोनेंस कंडीशन मिल गई। और हमें जेड मिनिमम कब मिला था? जब हमारा अकेला आर रह गया था, यानी आर इक्वल टू जेड आ गया था। यानी कहने का मतलब है कि एट रेजोनेंस कंडीशन जो एलसीआर सर्किट होता है वो कैसा बन जाता है? प्योरली रजिस्टिव सर्किट बन जाता है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट बन जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। यानी अगर रेजोनेंस कंडीशन है सर्किट के अंदर, कैसी कंडीशन है? रेजोनेंस, तो माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। प्योरली रजिस्टिव कंडीशन में ही रेजोनेंस कंडीशन पॉसिबल होती है। तो माइंड में क्लियर होगी पहली बात कि एलसीआर सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रजिस्टेंस। यानी रेजोनेंस कंडीशन में कौन आएगा? रजिस्टेंस आएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस कंडीशन तो समझ में आ गई, शार्पनेस का मतलब है कि उसकी जो ये बैंड विथ है, अभी ये बैंड विथ समझाऊंगा क्या होती है, पहले इस डायग्राम को समझना, फिर शार्पनेस में अपने समझ में आएगी शार्पनेस होती क्या है। वो ध्यान से समझना। हमें पता है कि जब हमें इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू करंट पता चली थी रेजोनेंस कंडीशन में, वो क्या निकल के आई थी? वो निकल के आई थी आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर। यही निकल के आई थी, याद है कि नहीं? हमारी वैल्यू निकल के आई थी कि जो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा वो तब मिलेगा जब मैक्सिमम ईएमएफ हो और आपका रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, यानी कि इम्पीडेंस मिनिमम हो जो कि रेजिस्टेंस। अरे ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस जितना कम होगा क्या मैं कह सकता हूँ करंट उतना ज़्यादा होगा? ये बात तो मानते हो कि नहीं? और ये तो नॉर्मल मैथ्स है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है किसी भी फ्रैक्शन का, उसकी वैल्यू डिवाइड करने पर उतनी बड़ी आती है। तो रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा, या उल्टा कह लो, रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी करते जाओ नीचे, जो वैल्यू है फ्रैक्शन की वो कम आएगी। ये तो कट के भी देख सकते हो, जैसे 5/10 है तो देखो 10 से 5 को डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, 5/100 कर दो तो 0.05 आएगा। तो जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। ये तो सीधा नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही होता है आपका। तो हमें पता है कि जब भी हमारे क्या होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है हमारी बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम मिलेगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। अब इस चीज़ को कंपेयर करना डायग्राम से, देखो समझना। जब रेजिस्टेंस हाई है, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, करंट क्या होगा? मिनिमम, यानी करंट बस यहीं तक पहुंच पाया। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यहाँ तक आई, फिर चला गया पीछे। अब क्या मॉडरेट रेजिस्टेंस, कम हुआ और तो करंट और बढ़ेगा, तो मॉडरेट केस में देखो करंट यहाँ तक गया फिर नीचे चला गया। ये रेजोनेंस कंडीशन ही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है जब हाई रेजिस्टेंस है, हाई आर, तो मैक्सिमम वैल्यू करंट की ये है। जब मॉडरेट रेजिस्टेंस है मैक्सिमम वैल्यू ये है। और जब आपका रेजिस्टेंस बहुत लो है, लो आर है, यानी रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है, तो आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिलेगी। यानी आर बहुत ज़्यादा कम तो आई बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा डिवाइड करने पर। तो जब आर लो है तो आपको मिल गया ये वाला केस। अब मजे की बात क्या है, तीनों ही जो कंडीशन है वो रेजोनेंस कंडीशन पे, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन क्या कहती थी कि उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, चाहे फिर वो हाई हो चाहे मॉडरेट हो चाहे लो, उससे मतलब नहीं है, जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वजह से, या उसकी वजह से भी मत बोलो, उस एलसीआर सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें अपन को क्या चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। तो हमें पता चला कि भाई मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट एक यहाँ मिलेगी जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो यह क्या, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस और कम हो जाए करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं शार्पनेस क्या, देखो शार्पनेस ऐसे समझ में आएगी, ये तीनों ही रेजोनेंस कंडीशन है, तीनों ही। शार्पनेस का मतलब होता है कि आप देख सकते हो कितना शार्प है। शार्प का मतलब क्या होता है, पैना, जिसका पॉइंट बिल्कुल जो पॉइंटेड हो तो उसे क्या कहते हो, बहुत पैना हो तुम कहते हो शार्प है ये। यानी कि क्या हो, उनके बीच डिस्टेंस कम। देखो यहाँ पे देखो, ये ज़्यादा शार्प है इससे, और इससे भी ज़्यादा शार्प है वो। तो शार्प का मतलब क्या है, जो जितना पैना होता है, देखो यहाँ से शार्प होता गया है। तो शार्पनेस ये वाली चीज़ की बात हो रही है जो यहाँ पर है। समझ में आ गई शार्पनेस क्या है, बिल्कुल क्लियर है? अब इसे रफ कर देता हूँ सारी चीज़ें। शार्पनेस एकदम क्लियर है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये पता चली कि जो शार्पनेस होती है, जो हमारी शार्पनेस है वो किस पर डिपेंड कर रही है,
जो शार्पनेस है वो हमारी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कैसा है। आप खुद ही देख पा रहे हो रेजिस्टेंस लो है, शार्पनेस हमारी ज़्यादा है। रेजिस्टेंस मीडियम है, शार्पनेस कम है। रेजिस्टेंस हाई है, शार्पनेस और ज़्यादा कम है। क्लियर है? यहाँ का थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा आर का मतलब क्या है, ओमेगा आर कह रहा है कि ये रेजोनेंस कंडीशन है, यानी ये रेजोनेंस कंडीशन है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू करंट है, देखो करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये मैक्सिमम वैल्यू, फिर कम हो गया। करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम वैल्यू कम हो गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन। तो इसलिए ओमेगा आर लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है? अब एंगुलर वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, करंट की वैल्यू कम हो रही है और पहले बढ़ रही है। रेजोनेंस कंडीशन समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम क्या कहना चाहता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, सोज द वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर द डिफरेंस वैल्यू ऑफ आर। अभी अभी हमने आर की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या देखा, वेरिएशन देखा करंट का, एम्पलीट्यूड का। हमने क्या देखा आर की डिफरेंट वैल्यू के लिए, जब आर हमारा कैसा था, हाई था, करंट बस यहां तक गया। आर हमारा और कम हुआ, करंट और ऊपर तक गया। हमारा और कम हुआ, करंट और ऊपर गया। तो हमने डिफरेंट वैल्यू ऑफ देखी, किसकी, एम्पलीट्यूड की, एलसीआर सर्किट में किसके कंपेरिजन से, कि एंगुलर वेलोसिटी। हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हमने क्या देखा कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो करंट के साथ क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। पीक वैल्यू मिली, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, करंट कम हो गया। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, कम हो गया। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, कम हो गया। यानी हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने पर, एंगुलर वेलोसिटी के बढ़ने पर करंट के साथ क्या हो रहा है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर। क्लियर है? वो वाली लाइन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। द करेंट एम्पलीट्यूड हैज पीक एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। हमें पता है कि करंट अपने पीक पर कब था, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर। डायग्राम में दिख रहा है कि जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आ रहा है, ये डॉट डॉट डॉट, उस टाइम पर करंट हमारा पीक पर है, डॉट 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 करंट पीक पर है, डॉट 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 करंट पीक पर है। ठीक है? कब, जब हमारी ओमेगा आर यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पे वही उन्होंने लिखा है, द करंट एम्पलीट्यूड एज पीक वैल्यू एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर। ओमेगा आर इक्वल टू किसके होता है, 1/ अंडर रूट में एलसी। ये वाला फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, याद रखना, याद होगा। एंगुलर वेलोसिटी में कितनी आई थी, 1/ अंडर रूट में एलसी। ठीक है, एल क्या था, वहां पर इंडक्टर था, सी कैपेसिटर के लिए था। आगे एंड फॉल्स टू जीरो इज आइदर डायरेक्शन, यानी रेजोनेंस कंडीशन पे हमें ये होगा मैक्सिमम करंट, फिर दोबारा से फॉल कर जाएगा। क्लियर है? आगे द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। हमने देखा जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उससे आर से उसे कोई मतलब नहीं है, जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसका आर से कोई लेना देना नहीं है। देख लो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में आर कहीं आ रहा है, एल आ रहा है और सी आ रहा है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का आर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन बट द शार्पनेस ऑफ द पीक डिपेंड्स ऑन आर, यानी जो शार्पनेस है वो आर पर ही डिपेंड करती है। आपने देखा था जब जितना कम आर है, यानी जितना कम रेजिस्टेंस है उतना ही ज़्यादा शार्प था जो ग्राफ था, उतना ही ज़्यादा शार्प था। जितना मॉडरेट रेजिस्टेंस था उतना कम शार्प था, जितना कि हाई रेजिस्टेंस था उतना ही कम शार्प था। यानी रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, शार्पनेस बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, शार्पनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि शार्पनेस ऑफ द पीक डिपेंड ऑन आर, यानी शार्पनेस डिपेंड कर रही है आर पर। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द पीक इज हायर फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर। हमने वहाँ डायग्राम में भी देखा था, यहाँ भी लिख दिया कि जो पीक है वो हायर होगा स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर के लिए। आर की वैल्यू जितनी छोटी होगी पीक वैल्यू उतना ही ऊपर मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है? थस रेजोनेंस इज शार्प फॉर स्मॉल आर एंड फ्लैट फॉर लार्जर आर। तो यानी हमें पता चला था कि जो शार्पनेस होगी वो स्मॉल आर के लिए ज्यादा होगी, और जितना हमारा लार्ज आर होगा उतना ही हमें फ्लैट मिलेगा। फ्लैट मतलब कैसा, कुछ इस तरीके से। ठीक है? शार्पनेस मतलब क्या, जितना पॉइंटेड हो, जितना ज्यादा पॉइंटेड होता जाए। ठीक है? जितना ज्यादा पॉइंटेड होता जाए सबसे ज्यादा शार्प ही हो जाएगा। ठीक है? और फ्लैट कैसा हो जाएगा, ये तो देखो ये ज्यादा शार्प है, ये फ्लैट है। क्लियर है? तो हमसे बोला गया था पीक इज हायर फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर, थस रेजोनेंस इज शार्प फॉर स्मॉलर आर। शार्प रेजोनेंस होगा जितनी आर की वैल्यू कम होगी, यानी ऊपर होगा, और आपका फ्लैट होगा जब आर की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि जो नीचे था ग्राफ में। क्लियर था? क्लियर है? नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यहाँ तक नोट कर लो। अब देखो आगे बात की है, द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय अ कोएफिशिएंट कॉल्ड द क्वालिटी और क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट। यानी किसी भी एलसीआर सर्किट की जो शार्पनेस होती है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट का, जिसका नाम है क्वालिटी या क्यू फैक्टर का। यानी हम बात करेंगे कि इस एलसीआर सर्किट की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ज्यादा है यानी शार्पनेस ज्यादा है,
क्वालिटी कम है यानी कि शार्पनेस कम है। तो शार्पनेस को जो मेजर करेगा वो कौन करेगा, क्वालिटी या कह लो क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है, क्वालिटी आपको मेजर करके बताएगा शार्पनेस ज्यादा है या शार्पनेस कम है। बात क्लियर है? अब देखते हैं कि क्वालिटी के बारे में, द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, यानी रेजोनेंट सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर होगा यानी क्यू फैक्टर जो होगा, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन टू फ्रिक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यानी जो आपका क्यू फैक्टर होगा यानी कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होगी, जो कि मेजर कर रही है किसको, जो क्वालिटी किसको मेजर कर रही है, मेजर कर रही है रेजोनेंस की शार्पनेस को। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय द क्वालिटी। तो क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट। अब रेजोनेंट तो समझो क्या है भाई, रेजोनेंट में क्या होगा कि हमारा करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का रेशियो, मैं लिखता जा रहा हूँ ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का रेशियो किससे, इन टू फ्रिक्वेंसी टेकन ऑन बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के दोनों साइड ली गई फ्रिक्वेंसी से। जैसे डायग्राम देखना ध्यान से क्या था, देखो डायग्राम में हमारे में क्या था, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बीच में, एक फ्रिक्वेंसी पीछे ले लो इसके ओमेगा वन, एक फ्रिक्वेंसी आगे ले लो ओमेगा टू। यानी ये कहना चाह रहा है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यानी बीच वाली होगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है किससे, जो उसकी फ्रिक्वेंसी आगे वाली और पीछे वाली है उनसे, उनके डिफरेंस से, उसे हम कहेंगे क्वालिटी। समझ में आया? जो आपकी जो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से मैं रफ करके बना दे रहा हूँ, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहाँ है आपकी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है मेरे भाई ये रही आपकी ओमेगा आर, ये रही ओमेगा आर, ये तो ये लाइन हो गई ओमेगा आर की। तो अब ये कह रहा है इस ओमेगा आर के पीछे वाली ओमेगा वन और इसके आगे वाली ओमेगा टू, इनका जो रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा वो शार्पनेस को बताएगा। यानी ओमेगा टू माइनस वन, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन किससे, ओमेगा आर से, ये कहना चाह रहा है। ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का रेशियो किससे, जो उसकी पहले वाली है और दूसरी वाली है, इनसे जो उसका रेशियो होगा वो शार्पनेस बताएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब वहां समझते हैं क्या है। अब देखो क्या लगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टू वे टेकन ऑन बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यहां देखो समझ आ गया। अब आगे क्या लगा, सच दैट ईच फ्रिक्वेंसी, सच दैट कि ईच फ्रिक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड बिकम 1/√2 टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यानी अब देखो ध्यान से समझना कि वो जो E1 और E2 लेंगे हम, यानी कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी लेंगे E1 और E2 या epsilon 1 और epsilon 2 किसके बेसिस पे लेंगे, ध्यान से समझना। इससे पहले मैं तुम्हें मैथमेटिकल समझा देता हूँ, फिर वापस से इसकी थ्योरी समझा दूंगा, आपको बिल्कुल समझ आएगी अच्छे से। देखो मैथमेटिकली द क्यू फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट ओमेगा ओमेगा आर इक्वल्स टू W2 माइनस W1, वो सॉरी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी एंगुलर वेलोसिटी 2 माइनस एंगुलर वेलोसिटी 1। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अभी आपको अभी भी मैंने लिखा था कि जो रेशियो होता है, जो रेशियो होता है किसका, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का यानी ओमेगा आर किसके साथ, जो फ्रिक्वेंसी उसकी पीछे वाली हो आगे वाली हो उनके डिफरेंस, यानी ओमेगा टू ओमेगा वन, जैसे मैंने डायग्राम में भी समझाया था, यहाँ पर समझ लो। देखो ये कंडीशन है जब आपकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं है क्योंकि यहाँ करंट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है यहाँ पर, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर होती है उसके नीचे जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ओमेगा आर यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी फिर हमने यहाँ ले ली, ये भी पीक वैल्यू ऑफ करंट नहीं है। अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट नहीं है तो ये भी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, तो हमने ओमेगा टू मान लिया, यानी ओमेगा वन ओमेगा आर और ओमेगा टू, कोई दिक्कत? अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहीं क्यों लिया, अब ध्यान से समझना यहीं क्यों लिया, उन्होंने बोला था जो करंट है वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होना चाहिए। ध्यान से समझना क्या बोला था, जो आई की वैल्यू है वो आई नॉट का कितना होना चाहिए, 1/√2 टाइम्स होना चाहिए। अब वो बाद में समझ आएगा ऐसा क्यों है, अभी सिंपल फंडा दिमाग में इतना रखो कि जो करंट की वैल्यू कितनी चाहिए, आई नॉट के 1/√2 टाइम्स, यानी आई नॉट से तो कम होगा आई। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि आई नॉट की जो वैल्यू है √2 टाइम्स वो यहां मिली, इस पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है, यानी इस पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू है आई नॉट बाई रूट टू, कितनी वैल्यू है मेरे भाई, आई नॉट बाई रूट टू। बात समझ आ गई, करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर आई नॉट बाई रूट टू है और इस वाले पॉइंट पर ही बोल दी करंट की वैल्यू कितनी, आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू, ये करंट की वैल्यू है। तो एक हमने करंट की वैल्यू ली आई, दूसरी करंट की वैल्यू ली है आई नॉट बाई रूट टू, ये भी आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा वन, आई नॉट बाई रूट टू
यानी इधर वाला ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग है, यहाँ फर्क है, यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है, वो बाद मत कर लूंगा। यहाँ पर आई नॉट बाई रूट टू पे कितनी लिए ओमेगा टू और आई नॉट पे लिए ओमेगा वन। तो आपका शार्पनेस जो मेजर कर रहा है वो कौन मेजर कर रहा है, क्वालिटी या फिर क्यू फैक्टर, वो बता रहा है कि जो शार्पनेस होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन और ऊपर ओमेगा आर। यानी कहने का मतलब है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। अब थोड़ा सा देखो फील करने की कोशिश करना, जितना ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कम होगा, जितना ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कम होगा उतना ये पास होगा तो उतना ही तो शार्प होगा, खुद सोचो ना। जितना ये डिफरेंस कम यानी उतना ही पास, उतना ही पास तो उतनी शार्पनेस ज्यादा, और जितना ये चौड़ा, मान लो ये ऐसे करके है, जितना चौड़ा तो ओमेगा वन और ओमेगा टू जितने ज्यादा होंगे उतनी ही शार्पनेस कम होगी। यानी कहने का मतलब आपको थोड़ा सा फील हुआ कि देखो ओमेगा टू ओमेगा वन जितने पास पास होंगे, जितने पास पास होंगे उतनी ही पीक वैल्यू पे क्या होगी, शार्प मिलेगा आपको कर्व। कैसा मिलेगा, शार्प। तो जितना ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन होगा कम उतनी शार्पनेस क्या होगी, ज्यादा, सोचो ना। जितना पास पास होगा पीक पॉइंट मिलेगा शार्पनेस, ये दूर दूर है क्या होगा, दूर दूर है तो शार्पनेस आपको कम मिलेगी। क्लियर है, फील हो गया। ओमेगा वन ओमेगा आर ओमेगा टू, और मैंने कहाँ करंट लिया है, ओमेगा वन, जहां मेरी करंट के लिए आई नॉट अपॉन रूट टू थी। अब क्लियर है, आई नॉट अपॉन रूट टू सीधी बात है करंट से तो कमी होगी, तो मैंने यहां मान ली, ये मैंने यहां मान ली। क्लियर है। अब आई नॉट अपॉन रूट टू कब मिलेगा, जब ई एम एफ भी रूट टू होगा, इसलिए वहां पर इन्होंने लिख दिया, कन्फ्यूज मत होना। आई कशू क्या लिख दिया इन्होंने, आई कशू लिख दिया है ई नॉट रूट टू बाई आर, क्योंकि जब ई नॉट रूट टू हो जाएगा तो आपको आई अपने आप कितना मिल जाएगा, आई बाई रूट टू मिल जाएगा। जब आपका ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू। तो चाहे कह लो कि ई नॉट को ई नॉट बाई रूट टू कर दो, या कह लो आई को आई नॉट बाई रूट टू कर दो, बात सेम है। यानी इस पॉइंट पर जो ई एम एफ है वो ई नॉट बाई रूट टू हो गया, जिसकी वजह से जो करंट की वैल्यू आएगी वो अपने आप कितनी आएगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू आ जाएगी। या तो ऐसे बोलो आई नॉट बाई रूट टू आ जाएगी, या बोलो ई नॉट बाई रूट टू आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्वालिटी। तो क्वालिटी कैसे बता रही हो, फील भी हो गया आपको भाई, जितनी वैल्यू कम होगी नीचे वाली उतनी शार्पनेस ज्यादा होगी, यानी कि आपका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इक्वल टू टू डेल्टा ओमेगा। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कितना आ गया, ओमेगा वन, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कितना आ गया, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आ गया मेरा टू डेल्टा ओमेगा। आप देखो ध्यान से, मैंने कैसे आया यहीं पर बना करके दिखा दे रहा हूँ, टू डेल्टा ओमेगा, ये भी समझ लो टू डेल्टा ओमेगा के कैसे इक्वल होता है। देखो मेरे भाई, अब देखो ध्यान से समझना है कि अब देखो ध्यान दे, ओमेगा आर, ओमेगा आर इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा वन इक्वल टू देखता हूँ मैं, ओमेगा वन, ओमेगा वन मान लो, ओमेगा वन और ओमेगा आर के बीच में डेल्टा ओमेगा फर्क है, और ओमेगा आर से ओमेगा टू के बीच में भी डेल्टा ओमेगा फर्क है। तो मान सकते हो ना, ओमेगा आर से पीछे वाला डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर से आगे वाला वो भी डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा वन यानी पीछे वाला कितना होगा, ओमेगा वन मेरा इक्वल टू होगा ओमेगा आर माइनस का डेल्टा ओमेगा। मानते हो कि नहीं होगा कि नहीं, हाँ के ना भाई। ओमेगा वन यानी पीछे वाला कितना पीछे है, जितना रेजोनेंस ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी माइनस डेल्टा ओमेगा। दूसरा ओमेगा टू कितना होगा है? बताओ, ओमेगा टू यानी कि आगे वाला क्या होगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जितनी है प्लस डेल्टा ओमेगा, यानी आगे डेल्टा ओमेगा और बढ़ जाओ, ठीक है, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। क्लियर है। अब क्या करो, ओमेगा टू में से ओमेगा वन माइनस कर दो, तो ओमेगा टू में से ओमेगा वन माइनस कर दूंगा तो देखो क्या बचेगा, ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, ठीक है। अब ये क्या था, ओमेगा टू डेल्टा ओमेगा और एक बन गया ये माइनस का, फिर एक अंदर माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो देखो ओमेगा आर से ओमेगा आर कट गया, तो डेल्टा ओमेगा और एक अंदर माइनस का, तो देखो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इक्वल टू क्या बचा, डेल्टा ओमेगा माइनस एक अंदर है माइनस डेल्टा ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए बोला टू डेल्टा ओमेगा। तो क्लियर है, प्रूफ कैसे हो गया, ओमेगा टू में से ओमेगा वन माइनस कर दो, सिंपल सिंपल। ओमेगा वन इक्वल टू क्या है, पीछे वाला यानी ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, पीछे आ जाओ, ओमेगा टू के आगे वाला यानी ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा टू में से ओमेगा माइनस करो, अपने आप देखो टू डेल्टा ओमेगा आता है। क्लियर है, ओमेगा आर से ओमेगा आर कट गया, डेल्टा ओमेगा में से माइनस और माइनस डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा माइनस फिर माइनस का डेल्टा ओमेगा, तो क्या हो गया टू डेल्टा ओमेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा टू में से ओमेगा उनकी टू डेल्टा ओमेगा। क्लियर है, कैसे आई, इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, इसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ यानी उसकी चौड़ाई। तो जो ये ग्राफ बनाता ना ये, और फिर ये, फिर ये, तो ये होती है बैंडविड्थ। क्या होती है बैंडविड्थ, क्योंकि क्यों, ये हमारी रेजोनेंस कंडीशन थी यानी ओमेगा आर, और इसके आगे हमने माना था ओमेगा वन, ओमेगा टू माना था, इसके पीछे क्या माना था हमने, ओमेगा वन माना था, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन जो आएगा वो इसकी क्या होगी, बैंडविड्थ।
क्या होगी? बैंडविथ, यानी बैंडविथ जितनी कम, बैंडविथ जितनी कम उतना ही शार्प। देखो बैंडविथ जितनी कम, बैंडविथ यानी इनकी चौड़ाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इनकी चौड़ाई जितनी कम उतना ही पैना होगा, उतना ही शार्प होगा। तो शार्पनेस कब ज्यादा होगी? जब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कम होगा, या कहो जब बैंडविथ कम होगी। तो बैंडविथ क्या होती है, वो क्लियर हो गई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आगे द लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, क्योंकि क्यू फैक्टर किसके इक्वल है, देखो क्यू फैक्टर इक्वल है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्यू फैक्टर की वैल्यू ज्यादा कब आएगी बताओ? जब ये कम होगा। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब है कि जो ये विथ है, कौन सी वाली विथ है अपन की, बैंडविथ, जो अपन की बैंडविथ है वो जितनी कम होगी, बैंडविथ जितनी कम होगी उतनी क्वालिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। बैंडविथ कम, डिनोमिनेटर कम, डिवाइड करने पर वैल्यू ज्यादा मिलेगी फ्रैक्शन की, यानी कि क्वालिटी ज्यादा आएगी। तो भाई बोला द लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा, यानी अगर लार्जर वैल्यू क्यू की तो ये वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को क्या बोल सकता हूं मैं, 2 डेल्टा ओमेगा, वो अभी प्रूफ किया था, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोलो चाहे 2 डेल्टा ओमेगा बोलो। तो क्यू फैक्टर जितना ज्यादा, क्वालिटी जितना ज्यादा, बैंडविड्थ उतनी ही कम होगी। तो बैंडविड्थ जो द लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा, और द बैंडविड्थ शार्पर द पीक इन द करंट, यानी कि बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही शार्पर होगा, कौन, शार्पर द पीक इन द करंट, यानी जो करंट का पीक होगा उतना ही शार्प होगा। तो करंट का पीक शार्प होगा या नहीं होगा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, बैंडविड्थ पे। बैंडविड्थ आपका जितना कम, शार्पनेस पीक वैल्यू ऑफ करंट की उतनी ज्यादा। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा। तो क्यू फैक्टर इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एक और बात याद रखना है, क्यू फैक्टर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्यों, ऊपर भी एंगुलर वेलोसिटी नीचे भी एंगुलर वेलोसिटी, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर है मेरे भाई? तो ये वाली बात हो गई आपकी किसके बारे में, क्वालिटी या फिर क्यू फैक्टर क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या चीज, इसका एक्सप्रेशन कितना होता है। यानी अभी हमने ये तो बात कर ली कि क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो क्या मतलब है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब है शार्पनेस ज्यादा है, क्वालिटी फैक्टर कम होगा इस बात का मतलब है शार्पनेस कम है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा इस बात का मतलब है बैंडविड्थ कम है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा इस बात का मतलब है W2 यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कम है, क्वालिटी फैक्टर कम है इसका मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ज्यादा है, यानी बैंडविड्थ ज्यादा है। बैंडविड्थ जितनी ज्यादा शार्पनेस उतनी कम, और बैंडविड्थ जितनी कम शार्पनेस उतनी ज्यादा। तो क्वालिटी फैक्टर से हमें यह पता चल गया कि क्या रिलेशन है शार्पनेस में। लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्वालिटी फैक्टर का क्या एक्सप्रेशन होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।